तुम्हारी राबड़ी। अच्छा ये जी आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और मैं गुज़िश्ता रात से लाहौर आया हुआ हूँ और रात में यही था। और मेरे जो करीबी दोस्त हैं या वैसे भी दोस्त जो हैं वो जानते हैं मैं लाहौर आऊँ तो एक अपने भाई के पास जो है ज़रूर आता हूँ मैं। और वो मेरे बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब और माशाल्लाह कबूतर परवरी के बेताज बादशाह और बहुत नामवर माशाल्लाह उस्ताद हैं और बहुत नॉलेज है, बहुत इल्म है। और उन्हें आप अक्सर जो है ना वो यूट्यूब पे फेसबुक पे देखते होंगे और ख़ास तौर पे यूट्यूब के जो यूज़र हैं वो ज़रूर इस हस्ती को जानते होंगे क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत इन्होंने यूट्यूब पे लोगों को सिखाया। और मैं पर्सनली भी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आपकी यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स ही कहूँगा मैं तो इनको देख के कबूतर परवर जो है ना वो बने हैं। तो मैं आज आपकी जो है ना मुलाकात करवाता हूँ अपने भाई जरशाह साहब से। मेरे दोस्त कैसे हैं सारे? काफ़ी टाइम के बाद मैं खुद लाइव हो रहा हूँ। बाबर लास्ट टाइम जो मैं लाइव हुआ था मैं शादी कर उसके बाद अब लाहौर में तो टाइम ही नहीं मिलता ना जाने का। इतने अब काम है, बिजनेस है तो इतने फंसे रहते हैं। आज हम दोबारा शो करेंगे शादी के साथ, तो लेट हो गए हैं, थोड़ी शाम हो गई है, तो जितना शो कर सकते हैं करवाएँगे इन शाह तला। ये तो जी देखिए जी ये शाजी को दिखा रहे हैं रामपुरी कबूतर। रामपुरी कबूतर हैं जी ये माशाल्लाह जर भाई के बहुत नायाब कबूतर काम करते हैं नो डाउट। बस कबूतर वही जो काम करे। ये देख लें जो जैसे लेक्चर्स देते हैं ना ये पर के अंदर जर शाह साहब इसी तरह के इन्होंने पर बनाए हुए हैं। शाजी मैं कहता हूँ जिस कबूतर के पर नहीं है वो काम नहीं करेगा। मतलब हर चीज़ आप कर जा रहे हैं कि एथलीट का अगर आप समझो स्ट्रक्चर नहीं है, फिट नहीं है, वो नहीं भाग सकेगा तो इनका पर ही पर है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक ब्लड अच्छा हो, कबूतर पर अच्छे हो, बड़ा अच्छा हो। आज के पॉइंट देखते रहते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो, उसकी हड्डी ऐसी हो, रूम ऐसी हो, लेकिन एक पर कुंदा और एक बड़ा लाइन यही दो अच्छी होंगी तो कबूतर आगे काम करेगा। बिल्कुल ऐसी देखें वो ब्लड लाइन अच्छी होगी ना जी। बाज मैंने ये देखा है ब्लड लाइन अच्छी है कुछ अगर उस कबूतर में कुछ 19-20 खामी भी है ना तो वो अपने खून के सर पे उड़ जाती है। उड़ती है, मैं लगा था उड़ती है। हाँ तो उसमें ये है कि अगर वो 95% ब्लड लाइन अच्छी होगी तो उसके पॉइंट्स भी पूरे होंगे, अच्छे होंगे उसका। मतलब ये मैं यहाँ इस बात पे मैंने आना था, ये बात आ रहा हूँ जिनकी ब्लड अच्छी होगी कितना अच्छा होगा उसके तकरीबन तकरीबन 95 मैं कहता 99% अच्छी होगी, अच्छी होगी, बैलेंस होगी, मुकम्मल होगी। पर अगर मतलब आप ये समझ लेंगे 10% वो कुछ चीज़ें नहीं भी होंगी ना तो वो उसको कौन खींच लेगा अपनी। अभी मैं और बात बताऊँ कि एक कबूतर था वापस रामपुरी, इसके अलग बढ़ने नहीं थी वो बढ़ रही थी तो था वो बड़ा अच्छा ख़ानदानी कबूतर निकला, वो कमज़ोर पार भी कमज़ोर पशा जी वो ना गिरा ना गया लगातार उतरा उतर मर गया क्या नहीं। शाह जी आपके जो मैं पिछले साल भी मैंने दोस्तों को कहा कि मैंने कहीं से कबूतर नहीं लिए और आपने भी जो मुझे गिफ्ट किए हैं कबूतर सारे आपके हैं, मैं भी आप ही कही हूँ। तो वो उन कबूतरों ने माशाल्लाह मुल्तान की गर्मी में काम किया और आपके जो है वो माशाल्लाह जो आपकी समझ बूझ है, जो आपकी परख है, जो आपने कबूतर बनाए हुए हैं, जो आपने वो हर जगह हर मौसम में काम करते हैं। अजी आपका प्यार है क्या? आप देखें माशाल्लाह मुल्तान में
बड़ी गर्मी पड़ती है, बड़ी गर्मी पड़ती है और वो बहुत अच्छे कबूतर वहाँ काम करते हैं। और हर जगह मतलब हर किसी का हर शहर का अपना मौसम है, हम इस डिबेट में नहीं पढ़ते, लेकिन ये है कि वो जहाँ कबूतर अच्छा होगा वो हर जगह उड़ जाएगा। अरे अच्छा कबूतर ही होता है जहाँ चाहे वो पाकिस्तान में क्या कूदने में जहाँ भी हो। लोग कहते हैं कि सर्दियों में आम कबूतर शाम बढ़ता है, मैं कहता हूँ अच्छा शाम बढ़ता है, सर्दियों गर्मी है अच्छा ही उड़ता है। कुछ कहते हैं कि जी जो सर्दियों में जो गर्मी में दो कहीं उड़ते हैं वो सर्दियों में शाम करते हैं, अजीब बातें हैं। अच्छा ही शाम करते हैं, मैं देखे ऐसे कबूतर पड़े हुए हैं ऊपर जो सर्दियों में शाम कर रहे हैं और वो गर्मी में शाम कर रहे हैं। अब ये नहीं कि वो रात भर रहते हैं, आते हैं कुछ कबूतर साए नहीं कुछ नस्ल नहीं होते। तो बेसिकली कुछ नस्लें ऐसी हैं आप ऐसे मिक्सर कर देते हैं कि वो घर आते हैं बाहर नहीं जाते हैं। दो नस्लें बनाई हुई हैं तो मेरे बाद में राबुल भी आती है और भी टेडी पास दिए हुए हैं, कबूतर पास दिए हुए हैं। तीन साथ दो कतूड़े मेरे पास वालता ही नहीं, ना फिट्टू में बैठे ना बाजू में बैठे, तो ऐसे वो बन जाते हैं। बिल्कुल शाह जी, पिछले साल मैं और लाहौर के एक दो दोस्त हैं वो हम यहाँ पे आए हुए थे, तो ज़र शाह जी ने ना एक जोड़ा रखा हुआ था कहीं कोने में, तो जो लाहौर के दोस्त हैं उन्होंने कहा ये क्या है, मैं कहा यार ये राज है, राज ब्रीड हमारी, ठीक है। अच्छा वो बड़ा छुपा के रखा होता, तो वो राज ब्रीड जो है ना वो हमने नाम रख दिया। अच्छा उसके जो है वो शाह जी ने पट्टा पट्टी जो है ना वो दिए वहाँ पे, तो मेरे पास उस राज ब्रीड ने बड़ा काम किया। अच्छा तो अब वो जो है वो बड़ा अच्छा उड़े वहाँ पे, बहुत जबरदस्त अच्छा है। उसमें आप जो भी टच देंगे खाली वाली ग्लूतू या इस तरह जो उसमें फर्क था उनका, असल में उनके जो दादा पड़ा है वो गोदू ही हैं। अच्छा वो गोदू हैं, वो आगे से हर चीज बनाते हैं। लालबन सियाह कोट की वो बहुत किस्से बना चुके हैं, गोली वाले हैं उनसे बने हुए हैं और मैं दिग्गर शामिल होगा तो काफ़ी बने उनसे बने हुए हैं और उनमें अकलें बड़ी हैं, परवाजें बड़ी हैं, जहाँ भी वो खुद ही उड़ते हैं, जहाँ उन्हें आप क्रॉस देंगे अच्छे अच्छे लाइन का आई वो बड़ा काम करती हैं। पूरी वापसी है, मैंने को भैया बहुत छोड़ा है तो बढ़ गए हैं जाते हुए, ऐसे ब्लड बन चुकी थी हमारे पास उस ब्लड में से कि रात के अंधेरे में लगे भी नहीं हुए, रात में लगाए भी नहीं हुए और रात में घर बैठते हैं। बिल्कुल देखें तो, कुछ जो है ना थोड़ा सा कबूतर परवरी पे ज़रूर हम डिस्कस बातचीत करेंगे कि हम, मैं समझता हूँ कि कबूतर आपको ऑलरेडी जो जोड़ों में भी हो ना आप उनका स्ट्रक्चर ऐसा हो और आपके कबूतर आप ऐसे बनाएं अपना कि ये नहीं है कि आप उनको पहले गोश्त उतार रहे हैं उनका फिर गोश्त चढ़ा रहे हैं फिर छील रहे हैं, ठीक है। अच्छा कुछ मतलब इस तरह के कबूतर आजकल इतनी जदीद हो गई है कबूतर परवरी का, दूसरी तीसरी चौथी फड़क में जो है ना कबूतर खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। आप अगर वो इस तरह के आपने बनाए हुए होंगे कि वो ना उड़ने वाले कबूतर की स्ट्रक्चर उनका अगर स्मार्ट और एथलीट की तरह है तो बाकी बात है वो इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना उनको गोश्त उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर जी आपने पूछी बात की है वो दौड़ने रहा कि हम टाइम ज़ाया करते हैं कि हम इसको इसमें क्रॉस में देंगे आगे से ये बन जाएगा, तो मोटा ताज़ा कबूतर है बैलेंस पूरा है लेकिन है मोटा इसे छिलेंगे आगे ये बन जाएगा, अब वो दौड़ने रहा। अब तो आप पहली बात यह कि अच्छा कबूतर वो अपने वजूद में रहता है चाहे वो ब्रीडिंग में पड़ा हो कई सालों से, ऐसे ये पड़ा हुआ है। देखिए मैं भारत में ये अब कुछ 6-7 साल से दिल कर रहा है लिखाऊं छोड़ के, लेकिन ये है कि आप इसके स्ट्रक्चर देख लें आप ना, ये तो अच्छा आपका जोड़ों वाला कबूतर है लेकिन ऐसा लगता है जब परवाजी है। और ये कुछ 6-7 साल से ऐसे ही खुदे में पड़ा हुआ है, ना इसे गेंद की है जहाँ पर स्लिम ही है, तो ये निशानी होती है खानदानी कबूतरों की कि वो खुदे के बिना अपना वेट गेन नहीं करते, लेकिन पूरी हड्डी जो है ना जी ये आपका जो ये स्ट्रक्चर जो पर है ये ब्लेड की तरह जो है ना इसका पर है तराशे, ठीक है तराशे कबूतर है और इसके पंजे पक्की नलियों के हैं, पक्की नलियों के कबूतर है माशाल्लाह। भाई वो कुछ नहीं था ना था जाके तो शुरू भी हो जाएगा ऐसे बहाने थोड़े जानवर और दिखाने दिखा देते हैं शुभ दोस्तों को और कुछ आपको भी दिखाएं, ये मेरे जो है ना भांजे हैं सैयद शेर अली काजमी साहब, ये यहाँ लाहौर बैंकल हबीब में होते हैं और शौक नहीं है इनको लेकिन ज़र शाह जी आज फंस गए ये हाँ
चौधरी शहबाज नद साहब देख रहे हैं जी, बहुत अच्छे और ज़बरदस्त आदमी हैं ये। और अब्दुर्रहमान सलीम साहब हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम। साद इमरान साहब मेरे शागिर्द हैं जी। माशाल्लाह। और फैसल राजपूत साहब हैं जी। और जी और अली भट साहब हैं, सरदार सलीम सिंह साहब हैं और शाहिद भाई हैं हमारे कराची से देख रहे हैं, तो बहुत अच्छे आदमी शाहिद रजा भाई। हाँ। और वकास अहमद साहब हैं। शाहिद रजा भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। आमिर भट हैं, आमिर भट साहब हैं जी लाहौर से, बड़े नामवर खिलाड़ी हैं माशाल्लाह आमिर भट साहब भी। और रफीक गुज्जर साहब हैं, चौधरी हसन साहब और परस पिजन और कामरान गोशी साहब, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उमर भाई, अली कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। जिशान गौरी साहब हैं और अली कुरैशी साहब यहाँ पर आ चुके हैं। अच्छा, अली कुरैशी साहब बिल्कुल जी, वो दिल के निशान बना रहे हैं आपके लिए। जानी सिंधु साहब हैं जी और सैयद विकी शाह साहब। हाँ, ये विकी शाह साहब आपके यहाँ मेरी मुझे फंक्शन था, मुलाकात हुई थी। शाह साहब बहुत अच्छे आदमी हैं जी, जस्ट लाइक यंगर ब्रदर। और आपको सलाम कह रहे हैं जी विकी शाह साहब। अस्सलामुअलैकुम जी। स्काई सॉफ्ट वाले अली कुरैशी साहब और जरार जैदी भाई, ग्रेट पर्सन। आप ग्रेट पर्सन हैं जी विकी, अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला सलामत रखे आपको। आप लोग प्यार करते हैं और बहुत शुक्रिया। शाह जी क्या कहेंगे इस शौक के बारे में, जैसे हम बात कर रहे थे कि आप जो है ना जी अमेरिका छोड़ के बैठे हैं। देखो जी, इस शौक के लिए सब जानते हैं कि मैंने अमेरिका में कबूतर रखे हुए हैं पिछले कोई 20-25 साल से। वहाँ भी तकरीबन 1000 में कबूतर में संभाले हुए हैं, 6-8 हज़ार कबूतर हो गए। लेकिन जो मज़ा लाहौर में है, जो मज़ा पाकिस्तान में, लाहौर लाहौर है जी, लाहौर लाहौर, जो मज़ा पाकिस्तान में है वो अमेरिका में नहीं है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर तकरीबन 3 साल से यहाँ पर हूँ, गया भी हूँ, वहाँ भी गया हूँ। तो यहाँ रंग मैंने काला किया हुआ, पहली बात ये है। और मैं खूब इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ कबूतर उड़ाने का मज़ा आता है, शो करने का मज़ा आता है। आप भाई हैं तो मिलने आते हैं, प्यार करते हैं जी बिल्कुल, लोग क्यों ना आएंगे आपके पास। और कबूतरों के हवाले से वापस एक महकूतर पड़ा हो चलिए, बहुत कबूतर है बहुत। और आपके पास, आपके पास बहुत अच्छे कबूतर है, नो डाउट। सबके पास नहीं, सबके पास बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई आपकी बात में कोई वो नहीं है, कोई शक नहीं है। समीर साहब वालेकुम सलाम सर। तो सर जी लोगों ने मेहनतें की हुई हैं बिल्कुल, और जो प्यार मोहब्बत हमारी फील्ड में आई जी वो किसी फील्ड में नहीं है, ये मैंने देखा था सर। हाँ बेशक बेशक, ऐसे यहाँ लोग बहुत प्यार करते हैं, उसे देते हैं, उससे मैं बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट हमारा प्यार है, प्यार है, नो डाउट नो डाउट। ज़्यादा शो की बात है जी, तो माशाल्लाह जी मेहनत करते रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, इंशा अल्लाह आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह। आपने बड़े अच्छे कबूतर उड़ाए हैं कम वक्त में छत तैयार करके, और माशाल्लाह कुछ साद इमरान साहब कहें तो शौक करवाएं। हाँ शौक करवाएं, वो मेरे शागिर्द हैं, वो कह रहे हैं जी ज़र भाई के लाल कबूतरों का शौक करवाएं। वालेकुम सलाम साद, अब इंशाल्लाह अजान हो गई है, थोड़ा सा गैप दे के तो हम फिर जो है ना कबूतरों का शौक ऊपर करवाते हैं जाके, ठीक है? अभी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करें या अजान हो जाए, अजानें हो जाएँ जी, फिर इंशाल्लाह ताला आपको शौक करवाते हैं। चल रहा है अभी ये जी हमारी क्वेश्चन है। मैं तो जामा लेकर नहीं सकता।
वालेकुम सलाम सलार भाई, खैरियत से? छोटे भाई ठीक हैं आप? शुएब कियानी साहब, सलार बहुत अच्छे माशाल्लाह कबूतर परवर हैं और बहुत अच्छे ब्रीडर कबूतर हैं, इनके पास बड़ी नॉलेज है। कैसे हैं सलार आप, ठीक हैं? जी बताएं इसके बारे में ज़रा। ये जी टरी कबूतर है, कहते हैं वो भी नाम लेते हैं, लेकिन मेरे में टरी कबूतर हैं, काम करते हैं। देखिए आप इनको, बात नहीं शुक्रिया दिखाते हैं, आप देख लें जी अजान हो रही है, फिर इसके बाद शहबाज नाथ साहब ग्रेट। जी सरार अल्लाह पाक की मेहरबानी छोटे भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग किए हुए आपने? हाँ जी, जोड़ों से अलग किए? नहीं, मैं अच्छा, अच्छा जो आप आएंगे तो सुबह यहाँ से करेंगे। अच्छा, अच्छा। आगे बोलेंगे। कान आंख में अभी नजर नहीं आएगा, शाम होगी भी है। माशाल्लाह। वालेकुम सलाम रफीक चौधरी साहब, खैरियत से हैं आप? रफ़ी चौधरी, हाँ रफ़ी, आई थिंक नीली हवेली। ज़बरदस्त है जी। अच्छा जी, ये कौन सा मिस्से कहते हैं आप इन्हें? ये मिस्से है, मिस्से के लिए कबूतर फ्रोजपुरी है। फ्रोजपुरी है, इनमें से चीज़ें बनती हैं, इनमें से आप जो क्रॉस चाय बना सकते हैं। लगे मिस्सों वाला ही है, कुछ शुक्रिया को मिस्त्री वाले भी कहते हैं, लेकिन ये हमारे जी, मैं नहीं फ्रोजपुरी कहता हूँ, ये बड़े अच्छे आगे बनाते हैं, इनको आप जो मर्जी देकर बना लें, मिस्सी मारी देखे मिस्से बना लें, छतरे मारे छतरे बना लें। बहुत अच्छा। ये हर चीज़ कैसी है इसकी? इसकी आँख की सफ़ेद जालीदार आँख है इसकी, सफ़ेद जालीदार, बल्कि नीलाट में है। नीलाट में, हाँ वाजे हो गई आँख, सही है, ठीक। आप जामा देखे जी। मिर्जा नसीम साहब थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेख हामिद साहब थैंक यू, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, दूर से नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा बड़े, ये अच्छी, ये सामने जो ये बैठा, हाँ जी ये हमारे कमकर लाइन से उठा जी है, ये बड़ा काम करते हैं, ये बहुत अच्छे, ये खुद भी उड़ते हैं, आगे बच्चे भी उड़ाते हैं जी, ये तेज पड़के हैं, तेज हैं, ये इन्हें कंट्रोल में लाना पड़ता है, ये बेलगाम घोड़े हैं, बेलगा। तो इसको अभी देखें, बहुत अच्छा है, शो करें, ये हमारे शाह साहब जो है जी, जहाजादी भाई, शो करें जी कमगर कबूतर का, और शो करवा भी रहे हैं,
माशाल्लाह बहुत क्लास का कबूतर है जी। अभी जो बात हो रही थी ना रेट और उस चीज़ की, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ना वो कबूतर का। हाँ जी, कबूतर भी सालों से खुद में है, ये इस तरह लग रहा है जैसे कोई ब्लेड हो, बिल्कुल तेज तेज है, कोई गोश्त नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी बॉडी कैसी है ऐसा सब। और ये कबूतर भी कई साल से खुद में पड़ा हुआ है और माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे घेरता है, वो आता है घर लेके आता है। इसकी पट्टी, हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है ना जी। हर एक कबूतर पूरा ही उड़ता है और पूरा ही बच्चे जो है ना, अब कहें कि एक कबूतर कमज़ोर पला हो, हम कहें कि वो आगे बच्चे अच्छे बना देगा, अब ये बातें हैं। वो एक दफ़ा हमने कहा था ना सातवीं गली की बड़ी कहानी है, दोस्तों ने सातवीं गली की जो है ना जी, तो सातवीं गली भी बहस नहीं हुई हमारी चली से आगे, कि मुझे याद भी नहीं है। नहीं, वो बहस हमारी डिस्कस नहीं हुई, वो कुछ लोग जो है ना वो जानना चाहते हैं। सही, आज आज उसको डिफाइन करते हैं सातवीं गली को, आज कर देते हैं गली का क्या अमल दखल। चलें चलें, बल्कि आज ही हम सातवीं गली में बहस करेंगे, ताकि जो ये तो हम जानते हैं थोड़ा बहुत सातवीं कली को लेके। वैसे तो हर कली में अपने राज होते हैं जी। हाँ क्या बात है, हर कली में, हर कली में सातवीं कोई शमशीर पा रहा है तो कोई खंजर पा रहा है तो कोई तलवार पा रहा है। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि कलियों जो कली है, जो उसकी तीली होती है वो काली ना हो, मैं कहता हूँ। ये नया पॉइंट है, अब हम उसको कहते हैं कि पीली बारीक हो, बुढ़ी को लचकदार हो, लचकदार हाँ, हाँ, हो, वो बहुत काम मुलायम हो, मुलायम हो बिल्कुल। हम आपने एक नई चीज दे दी कि काली हो, काली भी काली ना हो, काली ना हो, काली ना हो, वो रंग में हो, काली ना हो, जितनी लाइट होगी उतनी वो अच्छी कलाती मेरे समय। वो कबूतर ज्यादा काम करते हैं जो मैंने, जो हमने देखा है, जो मैंने पढ़ा है, वरना वो तो अपना एक अंदाजा होता है जी। जो आपने माशाल्लाह पढ़ा निशा जी आपकी भी, और सातवीं कली पे टॉपिक यही बात करें कि ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, चले ऊपर चलते हैं। लेकिन आपने चाय भी मंगवा ली है, चाय की ब्रेक ले ले जी, फायदा मजाक करते हैं, इसको चलने दें क्योंकि लोग देख रहे हैं इसको ना। बातें करते हैं। हाँ जी, साद इमरान साहब मेरे शागिर्द हैं, वो कह रहे हैं बड़े नायाब कबूतर हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, और उसे कहें कि ये मेरे ही हैं जी। हाँ मेरे ही हैं जी, बिल्कुल मेरे, ये आप ही के हैं। ये जी ये सारे कबूतर जो हैं शाह जी के ही हैं, और मैं खुद इनका हूँ। आप मेरे भाई हैं ना जी, आप बिल्कुल दो नहीं हैं। मलिक रिजवान, मैंने कभी शाह जी यकीन कर दिल से कभी आपको ऐसा समझा नहीं। नहीं नहीं, आप हैं ही बिल्कुल ऐसे ही। आपका मैं जब लाहौर आता हूँ, देखें टाइम की वजह से कहीं नहीं जा सकता ना, तो वाहिद ये घर ऐसा है कि मैं यहाँ, मेरी कोशिश होती है, मेरा ख्वाहिश दिल होता है कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँ। शाह जी मैं तो यकीन करें, इतने देख के आप इतनी खुशी होती है कि आप आए हुए हैं, टाइम निकाला आपने, कहाँ से आए हुए हैं आप देखें तो आपका आप प्यार, इतना प्यार करते हैं आप हैं प्यारे ना जी, बनते बनते। वासिफ खान साहब फैसलाबाद से हैं जी, उस्ताद हैं ये, और मेरे जो पीर भाई हैं नायाब भाई के शागिर्द बारी साहब, उनके शागिर्द हैं ये खुद भी उस्ताद। हाँ बारी साहब अच्छे आदमी हैं, ये उनके शागिर्द हैं। वासिफ साहब ये भी बहुत अच्छे आदमी हैं जी, भी फैसलाबाद में रहते हैं जी, फैसलाबाद जी। सोहेल अंजम साहब देख रहे हैं हमें, वेलकम और थैंक यू साथ। चौधरी शुएब साहब भी शागिर्द हैं, जो एक दफ़ा मेरे ख्याल आए हैं यहाँ मेरे साथ, बिल्कुल मैं देखा होगा, बिल्कुल। हारिस भी मेरे शागिर्द हैं, वो देख रहे हैं जी आपको, ये भी और लाहौर में है कि नहीं, मुल्तान में ही है। और जितने मेरे शागिर्द हैं बड़ा आपसे प्यार करते हैं जी, हम अक्सर जिक्र करते हैं, प्यार करते हैं, आप हैं ही प्यारे जी, बेशक बेशक। हर रंग का बंदा आता है यहाँ पर, हर शुक्रिया आता है, मिलते हैं, लेकिन सब आते एक तरफ है जी। हमारी इस फील्ड की जो में जो जुड़े हुए हैं, जो बसता है इस फील्ड में, वो लोग अच्छे हैं और बिल्कुल अच्छे। एहसान अली बल्ती साहब देख रहे हैं हमें, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद हारिस, गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह आपको सलामत रखे। असद खान साहब फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वालेकुम सलाम असद साहब, ठीक है जी हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जहर शाह साहब की तरफ आए हुए हैं, एक बहुत माशाल्लाह कबूतर परवरी का अच्छा और बड़ा नाम, और एक मैं समझता हूँ
कि एक इंस्टीट्यूट है जी, बहुत इल्म में अभी बात हो रही थी कि हर कबूतर के हर कली और हर पर पे जो है ना एक मुफसल बहस की जा सकती है, राज है और बड़ा ये नॉलेज माशाल्लाह। राना शफीक साहब थैंक यू फॉर वॉचिंग जी। वाह मेरा भाई जी, अभी जिसका जिक्र हो रहा था ना जी, जी। उस्ताद मैं कहाँ आपको कह रहा था शाह जी, सूर के जो है अजहर भाई साहब, अजहर नियाजी और मजहर नियाजी वो भी लाइव हो गए, वो लाइव हो गए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आई लव यू जनाब मजहर भाई। कल मैं इन्हीं का बता रहा था कि जितना प्यार दिया इन्होंने और इतना जो है ना, मैं आपसे बात करती हूँ जी। ये जी अजहर भाई, ये आपकी बहुत तारीफ करे थे जी, और नियाजी भाई जो है, आप दोनों भाइयों की माशाल्लाह ने बहुत तारीफें की है। ग्रेट आदमी है जी और बहुत अच्छे आदमी है जी जी, और इनसे बड़ा प्यार और बड़ा प्यार मिला है, जैसे आप प्यार करते हैं इसी तरह जो है ना जी ये मजहर भाई भी प्यार करते हैं, और वो उन्होंने जो है ना वो फूल भेज दिए आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप भी यहाँ वेलकम है, जब मर्जी यहाँ पर आए, घर है आपका। हाँ बिल्कुल जी, लाहौर में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जब भी आना हुआ लाहौर में तो बिल्कुल आइएगा हमारी तरफ। उस्ताद मखदूम इकबाल साहब जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक हैं। ज़ेब खान साहब, उस्ताद वकास मुगल साहब दी ग्रेट जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसमें एग वेग तो नहीं होगा ना? नहीं एग नहीं, बस जी माशा जी, शाह जी ये कुछ हमारे टैडी हैं जी, बहुत जबरदस्त। ये में एक जो नफ्तों का भी है जी, सामने पड़ा हुआ नफ्ता, वो एंड में सहारनपुर से पिछले दफा थे, आपने बढ़ाए माशाल्लाह इनको। आज इनके बच्चे मरते बड़े हैं, तो इनके मैं तीन बच्चे दिए हैं दोस्त को, मैं शिविर दिए हैं और दो एक और ले गए थे, पाँच ही पड़े थे बस, बकाया ये जो है मादी, फिर जो मादी बीमार हो गई थी तो इसको दोबारा ठीक किया, अब जो लगाया दोबारा, अब इनके अंडे फेरेंगे जी। बिल्कुल फेरेंगे, ये मतलब नाफ्ते ही हैं आपस में, प्योर जी प्योर लगे हुए। और इनमें एक खासियत है जी, मैंने इस मादी को अलग लगाने की कोशिश की, कोई एक माह कि सवा माह मैंने बंद किया बॉक्स में नर के साथ, और नर को बंद किया मादी के साथ, आप यकीन नहीं करेंगे लगे ही नहीं सवा माह, उदासी कट गई और बीमारी तो चल पड़े। अच्छा, तो इनमें खासियत है कि ये क्रॉस नहीं करते किसी के साथ। अच्छा, तालबो सवा माह के डे माना है, मैंने इनको पहले भी किया और अभी भी किया है कुछ माह पहले, और शाह साहब कबूतर में उछा गए, कबूतर सोखले में आना शुरू हो गए, तो ये क्रॉस नहीं किया, जैसे मैंने इनको निकाल के इनको एक बॉक्स में छोड़ा है, इस पेयर को साथ ही क्रॉस होकर लग गया। मतलब इतना ये जो है बड़े वो है, बस सेंसिटिव है, और ये क्या कहते हैं दूसरे से क्रॉस नहीं होते हैं, ये अच्छी अच्छी बात है, जबरदस्त है, ये तो बड़ी सेंसिटिव। मजहर भाई लव यू ब्रदर, बहुत शुक्रिया। नईम खान साहब माय यंगर ब्रदर फ्रॉम डीजी खान, ये हमारे वही, वालेकुम सलाम नईम, और असद खान साहब हैं हमारे साथ जी, जो जी माशाल्लाह से जर शाह साहब के कबूतर बहुत ही अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। थैंक यू सर, आमीन। मौदूम इकबाल साहब, नईम खान साहब, नईम मैं हूँ, उस्ताद जर शाह साहब हैं,
फ्रॉम अमेरिका, आप इन्हें देखते होंगे यूट्यूब पे, और बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं यूट्यूब पे, बड़े ज़बरदस्त इनके लेक्चर्स और कबूतर परवरी के हवाले से नईम, और बहुत सारे लोग सीखे हैं इनसे, बहुत नॉलेज है इन्हें। ये लाहौर आए हुए हैं आजकल, और मज़ेदारी की बात ये है कि ये बंदा जो है ना, ये बंदा अमेरिका छोड़ के लाहौर आए हुए सिर्फ कबूतर बन। मैं यहाँ बहुत इंजॉय करता हूँ, बिल्कुल लाना देखना उड़ाने, एक बड़ा अच्छा एक सीन बनता है। बेशक बेशक, यहाँ से बड़ी गर्मी है, यहाँ का बहुत उठता ही गर्मी है, बड़ी बात हुई है। और ये गर्मी मैंने मार के मैंने खाई ये कबूतरों की वजह से आप आए हुए हैं ना जी। शाजी भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, और उस्ताद मदन नियाजी साहब कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम, मुर्शद सैयद जरार अब्बास जैदी, बहारो फूल बरसाओ, मेरा सैयद आया है। वाजी वाई, लव यू टू ब्रदर, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आप प्यार करते हैं, आप खुद बहुत प्यार के लायक है मदर भाई, और सिंह मेहरबान साहब कसूर वाले हैं जी उस्ताद मदर, जिनका भी हम आपसे ड्राइंग रूम में जिक्र कर रहे हैं। अच्छा ये है जी हमारी, इस ब्रीड का नाम रखा था मैंने, आपका आप ही का नाम दिया हुआ, देखें जी सब सुन रहे हैं, इस ब्रीड को नाम दिया जी हमारे शाह जी ने, जनाब जदी भाई ने राज, ये क्योंकि आपने छुपा के रखा हुआ था, मैं कहा है कि राज है दसो आज भी राज है, राज है, देखे हुए यहाँ, देखे हुए शाह जी ने, नया भाई ने, और किसी ने देखे भाई, सैयद हसन साहब हैं जी फ्रॉम गुजरात, सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने जहर भाई, जो मतलब बहुत अच्छे प्यारे लोग आ रहे हैं ना, सारे कबूतर परवर बहुत अच्छे बहुत प्यारे हैं, तो इसमें ये सैयद हसन शाह साहब हैं फ्रॉम गुजरात, और ये मेरे ख्याल आप को ज़रूर जानते होंगे एक दूसरे को, ये अमेरिका भी जाते आते रहते हैं, और वालेकुम सलाम हसन भाई, तो खैरियत से आप अकबर मलिक साहब, यकीन नहीं करेंगे मैं ये एंजॉय कर रहा हूं कि हमारे दोस्त आ रहे हैं। हाँ बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं हमारे इस लाइव वीडियो में। अकबर मलिक साहब थैंक यू फॉर वाचिंग जी, आप कुछ बता रहे थे राज के बारे में। जी ये तो वो भी राज ही है जी, माशाल्लाह ये जी हमारी ब्रीड है ग्लोदू ब्रीड है बेसिकली, इसको थोड़ा सा लाइट में अगर आप ऐसे आ जाए ना, ये लाइटें तो बहुत अच्छी लगी हुई है, लेकिन बीच में से कुछ जो है ना ये यहाँ पे यहाँ सही है। शाहजी ये हमारे पुराने कबूतर हैं, ग्लोदू लाइन के कबूतर हैं, ये में से बेसिकली ये में से अलिया बनते हैं। अच्छा यार किसकी ग्लोदू, ठीक है। हाँ जी, और शाहजी बच्चे ये बहुत लोग आते हैं यहाँ पर देखें कि इनके शमशीर पर देखेंगे, जबरदस्त, और ये कबूतर बहुत मुलायम है, और मेरी नज़र में गर्मी में मलाई में उड़ती है जी, बेशक बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये पट्ठा पट्ठी इन्होंने मुझे जरशाह साहब ने दिया था, और वो बहुत उड़े माशाल्लाह, वो अजी बड़ा ये बड़ा इनका अच्छा रिजल्ट है, देखिए जी पंजाब के बहुत अच्छे इनका एक नहीं भाई, बहुत शुक्रिया आप दुआएं दे रहे हैं। हाफिज फुरकान ताहिर साहब हैं हमारे साथ फैसलाबाद से, बिल्कुल बिल्कुल जहर भाई बहुत ग्रेट बंदे हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। एक बार हाफिज भाई अमेरिका में आए थे, मुलाकात नहीं हो पाई थी। हाँ अच्छा, बात थी फोन के ऊपर फुरकान भाई से। अच्छा 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 अच्छा, तो उसके बाद आई थिंक शो टूर था न्यूयॉर्क में। ही इज अ डिसेंट गाय जी, वेरी नाइस गाय, और बहुत मतलब हमारी जो कबूतर परवरी है उसमें ऐसे जो डिसेंट जो पढ़े लिखे आप जैसे लोगों का ना इजाफा बड़ा जबरदस्त है। ये अच्छे बनने जी, मैं भी कहूंगा जी वेलकम टू न्यूयॉर्क, आज जब आए तो मिले मुझे मिले। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, मान खड़ा है आपका, जबरदस्त जबरदस्त उस्ताद अजहर नियाजी साहब, लव यू छोटा भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो ब्लड है ना ये लाइन आप ही के पास, शेर पंजाब वेलकम जी, शेर देखिए जी हाथ में आते ही जो है ना कबूतर ने कहा है, अभी हुसैन अहमद भाई वाच कर रहे हैं हमें, बहुत अच्छा जी बहुत जबरदस्त। शेर पंजाब भाई कह रहे हैं जी क्या हाल है जी आपका जी, थैंक यू सर बहुत शुक्रिया। ये इसकी देखें जी अगर दोस्तों को नजर आ रही है, लाइट थोड़ी कम जी, है नीलाहट में इसकी आंख ऐसी है, ऐसी है ठीक है जी, और नीलाहट जर्रे हैं बेशुमार बेशुमार जर्रे हैं, और ये आप देखेंगे रात में भी इसका जो है ना लाइट ना होने के बावजूद भी तेल, अगर ये लाइट पड़े तो ये सुबह सुई बन जाए, बेशक ऐसी जी, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि आप इसके मैं इसकी लाइट मारूँ इसके ऊपर शायद, अगर लाइट आपकी है एक सेकेंड
और आसिफ आसिफ दोस्ती इज वाचिंग सर. अच्छा थैंक यू फॉर वाचिंग. ये ना जी दिखाई दीजिए, देखिए एक मिनट. माशाल्लाह जी, ये जी अब यहाँ पर आ गई है. देखिए जी आप जबरदस्त, इसके आप रिंग देखें जी, बहुत मज़ेदार कबूतर है. इसकी पीली पलकें हैं. शेर पंजाबी उस्ताद अब्बास मुगल भाई भी हैं. हाँ अब्बास मुगल साहब बहुत अच्छे, बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल उनके शौकीन है जी. और हाफिज़ साहब और ये साथ ही आई थिंक शौक करते हैं. अगर अच्छा जी बिल्कुल वही वो शेर पंजाब है, नाम लिखा है उस्ताद अब्बास पर लिखा होगा. अभी मियाँ नदीम साहब आए हैं, वेरी नाइस लगा जी. अच्छा अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब. मियाँ साहब मियाँ नदीम साहब फ्रॉम लाहौर मेरे को, बिल्कुल सीनियर और बहुत ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी तबीयत के ये कहाँ पर है लाहौर किस जगह पर? लाहौर मेरी इनसे नायाब भाई की घरी मुलाकात. अच्छा अच्छा हुई है. अक्सर मौका होती है हमारे सब फंक्शन अक्सर फंक्शन में भी बड़े हम्बल आदमी है, बहुत अच्छे आदमी. माशाल्लाह बिल्कुल जी. देखें आप लाइट चली गई है जी, कोई बात नहीं. मैं जी मैं भी आया था लेके, हाँ जो तूफान आया भाई वो एकदम घबरा गए ना, लाइट गई है तो लाइट भी घबरा गई. ये अब कौन से हैं जी, लोग खुद पहचान लेंगे इसको. ये जी साधना कबूतर है हमारे, ये हमारे साधना है जी और इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है हमारे पास माशाल्लाह. अजी पुराने कबूतर हैं भी. अब आप देखें कि इसके आखिर तीन कलियां जो है ना बराबर हैं, बिल्कुल. अब वो समझदार लोग समझ जाएंगे क्या चीज़ है. माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त, कमाल ब्रीडर कबूतर है जी, बहुत आला. शायद इनके बच्चे जो है माशाल्लाह बड़ा बड़ा काम किया हमारे पास, बल्कि एक बाजी में हमें टांका वाम खोलना भूल गए. अच्छा यानी कि अगर पड़ी है तो वो लगवा दी तो ध्यान नहीं पड़ा, वो तीन दिन टांके जागे थी. अच्छा उसके बावजूद वो मादी जी शाम को आके वापस चली गई, बैठे नहीं घर. अच्छा अब इतने प्रवासी कबूतर हैं यानी कि बड़े गर्मी खोड़े हैं ये, बेलगाम खोड़े हैं जिनको काबू करना पड़ता है. मैं ही कहता हूँ इन्हें क्रॉस में लाए, टैडियो में दें या जितने मर्जी दें, ये काम करते हैं. अभी जी शेप जैसा इंजॉय कर रही है उस्ताद नदीम उस्ताद रहमान जी, कह रहे माशाल्लाह. हाँ जी जी आ गई, थैंक्स गॉड जी. अब्दुल रहमान साहब हैं जी मेरे शागिर्द, थैंक यू फॉर वॉचिंग. ये दिखाते हैं ये जी हमारे नफ्ते हैं जी. हाँ नफ्ते कहती हैं सहारनपुरी कबूतर, इंडियन ब्रीड जो है जी. क्या बात है जी, इन्हीं के बारे में आप कह रहे थे कि ये आपने दूसरे नर और मादी के साथ मिलाने की कोशिश की, नहीं मिल रहे हैं ये, नहीं मिले. दो तीन बार ट्राई कर चुके हैं, ये मिलते नहीं है. मतलब ये है कि उदासी करते हैं ये. इनके ऊपर भी शेर पूरा आता है कि मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना. क्या बात है, तो ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं है जी. वेरी गुड. अच्छा जी देखें इनकी आंखें बिल्कुल झकाना, भी तो यहाँ रोशनी नहीं आया. इनकी आंखें बिल्कुल झकान आंखें हैं, येलो आंखें बिल्कुल जी. मतलब बोस की आंखें, येलो नहीं कहेंगे, बोस की कहते हैं. एक दोस्त है मेरे पास तो उन्होंने ना ऐसे हाथ में पकड़ा तो कहते हैं जिनकी आंख पीली पीली आंखें हैं. मैं कहने गया पीली आंख नहीं है, इधर गौर से देखा जाए सही बोस की आंखें हैं. इतनी इनकी आंखें वो हैं बोस की हैं. अभी कमों में रहे हुए ऐसे पढ़ के ऐसे हैं, देखें अभी भी बहुत ज़बरदस्त. शानी भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग. से पड़े मेरी बुद्ध हमारे जबरदस्त जी, प्योर नफ्ती है. काफी दोस्त हुए हैं, कहते हैं कि हमसे शेयर किया करें, दें बच्चे हमें. मैं कह जो ले जाए ही रह गया, बकाया तो दे दिए हुए. अजी प्योर इन्हें बूथ जी है.
इसके मैं मौजूद रहता हूँ आपको हाँ दिखाएं जो एक दूसरे को जो छोड़ते नहीं अस्सलाम जी वालेकुम सलाम शानी साहब कैसे हैं आप ठीक हैं ठीक ठाक अल्लाह पाक का करम है आप सुनाएं भाई ठीक ठाक हो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शो हो रहा है हाँ माशाल्लाह जी जहर शाह साहब के खुद भी बहुत अच्छे आदमी हैं और भाई हैं हमारे और इनके बर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह अच्छा जानवर है मैं अभी आया तो लाइव सामने देखा मैं सोचा चलो कॉल पे देखते हैं वैसे भी देख रहा था माशाल्लाह अच्छा जानवर है अच्छा। चलें थैंक यू सर थैंक यू फॉर वॉचिंग आप देखें जी इंशाल्लाह ताला गपशप शाहजी से लग रही है और आप शौक भी करें ठीक है जी आपको आवाज आ रही है जी हेलो आवाज नहीं आ रही सॉरी हमारा वो नेट जो है ना कमजोर है ये जी अब्बास मुगल साहब बहुत शुक्रिया जी ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नजर साहब थैंक यू अब्बास मुगल साहब ये अच्छा बिल्कुल बिल्कुल उसकी ये फीमेल है उसकी जिनका आपस में बहुत प्यार है जो किसी और से नहीं मिलते नहीं मिलते इसको जैसे आप दिखा रहे थे ना वैसे दिखाएं जरा इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे आम कबूतरों से ना काफी ऊंचे होते हैं ये खरतों में ना लंबी टांगों वाले टांगों वाले हैं लंबी गर्दनों वाले हैं आम कबूतर ऊंचे होते हैं बिल्कुल बिल्कुल जब पिछली दफा आए थे मैंने देखे थे जब भी मैंने आपसे कहा था इनको बढ़ाएं बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, ये जो अच्छे जो दिल के कबूतर होते हैं ना बाज़ दफा नहीं बढ़ते वो बड़े नाजुक इनके बच्चे यकीन करेंगे इतने तो मर जाते हैं हमने अंडे फेरे हैं चार पांच जोड़े फेर दिए हैं और सारे मर गए तो फिर जो पले है गलती से पकड़ी है तो वो दोस्तों फरमाइशी अच्छा अच्छा ठीक इस दफा तकरीबन एक साल में पांच पले होंगे तो तीन एक दूसरे दे दिए अच्छा वो वैसे कश्मीर नहीं है बस मैंने आज दिन में आना था जी शौक के लिए बिल्कुल अच्छा थोड़ा सा हेक्टिक मेरा शेड्यूल हो गया काफी जबरदस्ती ये बिल्कुल बॉस की आंख में खुर्रम अलवी साहब अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं भाई ठीक हैं आप बहु सगीर साहब थैंक यू फॉर वॉचिंग बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई अल्लाह पाक मौला आपको सलामत रखे जी थैंक यू आप वाह ये जी शाहजी भाई देख रहे हैं जी अब टैडी कबूतर ये यूं बोल रहा है इसमें करंट ऐसा है कि मेरे हाथ यहाँ तक जूम जैसे बिल्कुल 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 माशाल्लाह जी ये कौन से हैं आपके हाई टैडी है हमारे ये इसकी आंखें बॉस की आंखें इनके भी माशाल्लाह और ये काम करते हैं तो ये रात है बहुत अच्छा बहुत अच्छा इनके बच्चे बड़े तेज होते हैं भाई पप्सी ने पूछा बहुत है मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि जो इस तरह का पर उसमें जो है ना सियालकोटी पर होता है हाँ जी ये पर सियालकोटी भी निकाल लेते हैं फिरोजपुर भी निकालते हैं कमल पे भी निकालते हैं ये मतलब अच्छी खासी डिबेट है जिस बिल्कुल मैं उस बहस में नहीं बढ़ना चाहता लेकिन ये है कि वो अक्सर दोस्त कहते हैं जिसका इस तरह का पर किसी भी कबूतर में होना तो इसका मतलब है कि उसमें सियालकोटी पर है और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं वो कहते हैं कि जो इस कबूतर में ये पर हो उसमें फिरोजपुरी है या कमगर भी है ये भी है वो क्रू कहते हैं डिबेट आ गई ना डिबेट आ गई हम डिबेट नहीं करेंगे हम तो एक ही एक ही एक ही है वो है नहीं वो मतलब लोगों से भी हम बहस करेंगे अपना नजरिया नजरिया है बिल्कुल मैं तो किसी से भी इख्तलाफ नहीं करता जी बिल्कुल जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मेरा है बेशक 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 पाशा जी एक बात कंफर्म है जैसे उस निमिष में एक बात जी कंफर्म है पर ये काम करता है पर ये काम करता है नो डाउट बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल शाह जी, हैदराबाद। हाँ जी शाह जी, ये जी मादी है, बिल्कुल सादा मादी है, सादा मादी। तो आपके पास नायाब भाई वाले कबूतर थे? इधर पड़े हुए हैं जी। अच्छा। तो आपने ये भी टड़ी है जी, बहुत टड़ी है। हम कुछ आपको लाल कबूतर दिखाएं। ये इंसान लड़ी कुत्ता जी, आप पकड़े पकड़े आप जाए जाए चलिए, आप समाए ना अंदर ही आए थे मैं, आप सब मर्जी पकड़े। राजस्थानी कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे का ये फीमेल लग रही क्वालिटी होती है, ये बच्चे वो आते हैं कलियों में आगे बिल्डर बनाती है, बेशक बेशक मेरा एक्सपीरियंस भी है। हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, लोग इससे जरूरी नहीं है कि इससे इत्तेफाक करें, लेकिन ये है कि मुझे पसंद है। शाह साहब हर बंदे का अपना तजुर्बा है अपना क्रॉस, लेकिन जो इंसान जो बिल्डिंग में काम करता है जो उस पर टाइम देता है उन्हें समझ आ जाती है कि कौन से पर कहाँ काम करने हैं, और तीन पर जो बराबर है ये बड़ा ही नया पड़ा है मेरी नजर भी, इनके बच्चे बहुत उड़ते हैं कलियों में जो हमने देख जो देखा है। जी हाँ जी, हमारे जो वैश्विक कबूतर नहीं है वो ये निकालते हैं। हाँ जी निकालते हैं, अभी भी नहीं काला, ये चेक करें जो काला है, इसके बच्चे सब उड़ रहे हैं, इसमें हमें टैडी क्रॉस दी है, ये फोर्स पे कूदा मारा, इनमें हमें टैडी टैडी क्रॉस किए हैं, तो बहुत काम किए हैं। जहाँ भी क्रॉस किया फोर्स पूरियों में टैडियों में, भाई बहुत अच्छा चल दिया है। इसका जो बच्चे हैं अभी कोई 15-20 दिन हुए हैं, कल ही दो कल के बच्चे थे राजा के भाई, किसने कॉल भी नहीं की जी, हमने कड़ी डाली हुई है। आज ये हमारे कम्बल का नहीं थी, नीचे बड़ा कबूतर हमने देखा उसके, बिल्कुल उसके चाचे ताऊ में से यही है। हाँ जी ये जी हमारे साधनों का पट्टा है। अच्छा। बहुत नया भाई जी, अभी इनमें आंकड़े बढ़ी हैं, खर्ते बढ़ी हैं, इनमें वापसियां आप आवाजें बढ़ी हैं कुत्तों में। ये कबूतर शाह जी की सबसे आता मुझे ये कबूतर उनके घर का है, पुराना पड़ा हुआ है। अच्छा। जी मेरे उस्ताद नायब हजरत मुफ्ती साहब के घर का कबूतर, बिल्कुल जी बिल्कुल, जो गौर शाह साहब से बड़ा प्यार करते हैं। मैं जी हमारे बड़े भाई हैं जी, वो बहुत जबरदस्त कबूतर, बिल्कुल जी कीड़े पड़े हैं कबूतर। शाह जी भी ये पटा घूम ये जो है, हाँ जी, इसका बाप जो था ना वो आया था नया बाजार के घर से, और मान किधर पड़ी हुई है वो मर गया था कबूतर देखे उनका पठाई जी है, बड़ा अच्छा सोचन का, बड़े तेज है, बड़े तीखे हैं, उनके भी एक राज है जी उस कबूतर का भी कि उसको भी आए हुए दो ढाई माह हुए थे शादी, उससे हम बच्चा निकाले हुए थे, तो वो कबूतर मैं अंदर आया हूँ, ये दरवाजा था लूज था शादी, वो कबूतर ये खुला है और वो कबूतर बाहर निकल गया यहाँ से, जब मैंने ध्यान मारा भाई तो पूरा यहाँ पे हंसूरा ऊपर मैं गया, मैं अंदर गया, मैं कबूतर निकाले हैं और मैं जाके बाहर निकला हूँ कबूतर निकाल के कबूतर गए, अब मैं उधर चला गया, पहले बार बाहर निकला जो वाला कबूतर नया बदल घर का, मैं कहीं शादी में सुना दो ना हो जाएंगे, तो मैं जाया करता मैं, और वहाँ एक बाबा जी थे वहाँ उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, उससे मैंने कहा कबूतर बैठा कहाँ चला गया, कहते हैं मैंने नहीं देखा, चले जी मैं जब भाग गया तो भाग गया,
आधा पौना घंटा उसे गुजरा तो मैं यहाँ टहल रहा था भाई, तो उस ड्राइव से ना कबूतर को आ था हमारी तरफ, वो आके पहले इस मकान पे बैठा, वहां से उड़ा कि बाकी क्या नजरिया ऐसे हुआ, वहां से उड़ा जाल के बैठा, वो तो टेरी हुई था, मैं पिछड़ गया वहां से यहाँ पर आया, ये बंद था, मैं आगे आके मैं दुआ खोल दी, उतने खोल दिया मैंने, वो नहीं खोला, ऊपर गया फिर नीचे फिर उतरा अंदर आ गया, उसी एंगल जिस एंगल से वो गया उसी एंगल से वो अंदर आया था, और वो जया नहीं हुआ। अब बताए मुझे कि वो क्या चीज हो शादी। ये एक स्टोरी थी जी शादी के कबूतर की, यहाँ से निकला उड़ा चला गया आधे पौने घंटे बाद उसी राउट से उसी रास्ते से वापस आया। वेरी गुड। तो ये बात हमें शेयर की भी है उनसे। हाँ बिल्कुल, नहीं ये अच्छे कबूतरों का ऐसा ही है जी, तो मतलब कि जो अच्छे हैं जी अच्छे हैं, तो मैं हर अच्छे कबूतर की चीज करता करता हूँ, और कबूतर बहुत गया है उनके पास। जी वालेकुम सलाम, पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, आगा वाजिद हुसैन हिकड़ो साहब, ये हमारे खैरपुर के बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, और बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह हैं, और बहुत प्यार करते हैं जी। सफदर इकबाल बाबा साहब हमें देख रहे हैं, और जहांगीर अंसारी साहब, मेजर इमरान साहब कल मेरे साथ आए जी, बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह मुल्तान से, तो अभी काम कर रहे हैं वो, अब चले गए रात, मैंने बड़ा रोका इन्हें मेजर साहब को ना, वो भी शकीन है, ओ बड़ा नामवर इस दफा मुल्तान में, उन्होंने जो है ना वो रिकॉर्ड पिछले साल सेंचुरियों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो रुके ही नहीं, वो उन्होंने वापस जाना था, वो रात में रात वापस चले गए। मेजर साहब आपको मिस कर रहे हैं जी, और हाँ बिल्कुल, ये जहर शाह साहब हैं जी, माशाल्लाह बड़े नामवर खिलाड़ी, और मेजर इमरान साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी भी हैं जी, शौकीन तो देखें हर बंदा ही है, शौकीन के साथ एक अच्छा सुलझा हुआ पढ़ा लिखा आदमी होना जो है ना जी, वो सोने पे सहागा है, ठीक है जी, शौक का मजा आता है। मुल्तान पिजन क्लब, थैंक यू जी, वालेकुम सलाम। हाँ ये बड़ा, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछने हैं जो आप अब खुद ही जो है ना मुझे बताएं आप कि लोगों को कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो। कबूतर बैलेंस खड़ा है, हड्डी अच्छी है, गर्म अच्छी है, पोटी अच्छी है, दुम अच्छी है, कुंदा अच्छा है, तो कैसे मालूम होगा फिर कुंदा जो है या कबूतर प्रवास में बैलेंस होगा, ऊपर रुकेगा, जो कबूतर बैलेंस होगा कबूतर पूरा होगा तो खड़ा भी होगा, हाथ में ब्लड हो और कुंदा अच्छा हो, अच्छा कबूतर तो उड़ेगा, लेकिन मालूम कैसे होगा कि कबूतर बैलेंस है कि नहीं है। सर जी मैंने जो हमने वो किया है वो सातवीं पढ़नी है, अभी हम सातवीं कलिका को डिस्कस कर रहे थे, वो आप डिफाइन करें उसमें। सर जी तो बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए ये अहम टॉपिक है, और ये एक छोटी टिप है, सब लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं नए शौकीन हैं उनके लिए भी है, लिए सही है कि जो सातवां पड़ होता है कबूतर का, आपने कोशिश करनी है कि दोनों तरफ जो सातवां पड़ है बराबर हो, एक क्वालिटी का हो, जहाँ वो खड़ा है उधर भी खड़ा हो, खोल के दिखाएं ना जी इसका एक्सपेरिमेंट करवाएं लोग, उसकी खड़ी है यही साल ये पड़ जो है ये इसमें पड़ा है, देखिए आप जहाँ वो खड़ा है जिस शेप में है। अब आप देखें कि ये जो सातवां पर है इसकी शेप देख लें आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसी शेप में जो दूसरा साइड का सातवां पर है सेम हो, वो सेम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और तब जाके कबूतर बैलेंस होता जी, देखें जी ये पढ़, अगर ये पढ़ आपस में मैच नहीं करता, सेम पढ़ नहीं है, तीली ब्रीक है, पढ़ पता चौड़ा है, पढ़ के शेप डिफरेंट है, तो कबूतर बैलेंस नहीं है। सातवां पर दोनों पर अगर बराबर हैं तो ये नए शौकीन हजरात के लिए एक टिप है कि वो कबूतर बैलेंस है, अगर सातवें पर में डिफरेंस है मतलब तीली बारीक है एक की दूसरे की तीली मोटी है, या शेप में थोड़ा सा डी शेप हो रहा है, या शेप में फर्क है, बैलेंस नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना जहर शाह साहब, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहे हैं, किसी को चैलेंज नहीं कर रहे, ठीक है, ये कोई डिबेट बहस नहीं कर रहे,
हम जो मतलब एक मिसाल है कि जो मैंने फील किया वो मैंने बता दिया, जो आपने फील किया इसमें हम। मैंने एक और देनी है आज, हाँ बिल्कुल, वो हमारा बात भी किया वाइट बैठा था ऊपर आपके, वो एक काला हो गया हमारे दो, नहीं सही वो किसी का था अच्छा हमारे दो बैठे हुए और किसी का बैठा हुआ था भी आके। अरे सही। अच्छा आप टिप के बारे मुझे में। किसने सवाल किया था, काफी टाइम हो गया मैंने जॉब दिया उसको, सवाल जी आगा था साहब छोटे भाई, जरूर इंशाल्लाह चक्कर लगेगा जी। और जरशाह साहब आपको सलाम कह रहे हैं, वो आगा वाजिद हिकड़ो साहब। अच्छा जी, किसी बंदे में सवाल किया था कि कैसे मालूम होगा कि कबूतर को गर्मी में प्यास लगेगी या नहीं लगेगी, कोई बॉडी में ऐसा कोई पॉइंट हो, ये किसी का बैठा दिए, ये बैठा डबल सबसे लगेगा। अच्छा एक मतलब ये हमारा नहीं है जी, जिसका भी हो जी ये ले ले हमसे आके, अगर पकड़ लिया हमने तो ये आके कबूतर बैठा है जी, डबल सब्ज रंग हमारा लगे वो हुए। जी वो बैठा, आज बाजी उड़ी भी थी बुरा हाल है इसका वैसे तो, देखें जी लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है ये, अगर किसी का हो डबल सब पता लगा बस, डबल सब्ज रंग का तो वो चलो जरशाह कैदी साहब रामन से जो कैदी है ना वो बोलते हैं, निशानी बता के ले जाए। ठीक बेशक। है आई ना मैं जी। एक मूर्ति पकड़ी जहां पड़ी होगी उसको 7 मोहर लगी हुई थी, 2 पे 7 मोहर, और ऐसी मैंने ऐसी टाइम बैठी मैं पकड़ी है और वगी हुई 7 मोहर लगी हुई थी, मैंने वीडियो बना के डाल दी थी नेट के ऊपर, तो 2-3 माह हो गया कि जिसकी हो मुझे निशाने बताए, आवाज आया कि निशाने थी आवाज है चाहिए, सही है। तो मुझसे अकेले जाए, किसी ने क्लेम ही नहीं किया, अच्छा कॉल यही है लेकिन वो थे निशानियां बिल्कुल नहीं बता सके वो। हाँ समझे कि वो उनकी दे थी तो वो डिमांड नहीं कर रहे थे, सही तो सही सही सही। ऐसे तो ये गलत है, हाँ मैं नहीं कह यार रहा हूँ इसकी चीज उसको मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव बिल्कुल, जेस्चर है शौक के लिए कि तो जिसकी जिसकी चीज है मेहनत अभी की हुई है भी उसको मिल जाए। बेशक भाई 7 मोहर लगी हुई है, जिसके जो मालक होगा वो जानते ही होगा ना कि हमारे कबूतर में क्या वादे शानी है उस पर थी, तो अभी मेरी ख्वाहिश है जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, बाली है मोतियों वाली, उसे दुम पे गुलाबी रंग लगा था, उस 7 मोहर लगी हुई थी, जिसकी हो जी आज भी हम देने के लिए तैयार हैं, वाजे क्लेम कर निशानी दे बता गए वहां से बता के ऐवे तो ऐवे ना आवे मेरी है भाईजान। ऐवे बहुत है जी, ऐवे अच्छा बड़े पहले ही है हमारी है जी, जब पूछा कि इंसानी क्या है तो शाह वो बता ही नहीं पाए, मोती वाली है जी, मोती वाली तो आपने बता दिया, मैं अब भी दिखा लाइव दूं, बता मैं दिया। दिखा दूं जी, जो अच्छा चीज मैं निकाली हुई है जो शरीर में खींची हुई है वो कैसे बताएंगे, तो सही बहुत लोगों ने क्लेम किया लेकिन थी सही। तो मैंने चलें दी आप नहीं, एक बड़ी अहम बात बता रहे हैं हमें ना जी, जो अभी हम कैसे डिस्कस कर रहे थे कि कबूतर को किस तरह मालूम पता होगा लगेगा कि इसको कि प्यास लगेगी या नहीं लगेगी। ये गर्मी में प्यास जो है ये इसको लगती है, वैसे तो सही ऑफकोर्स में फार्मूले हैं कि हम जो मर्जी देखें वो प्यास हम भर लें, नहीं एक वहाँ से निशानी है जो हम देखते आ रहे हैं काफी टाइम से कि जो से कबूतर गर्मी में उठते हैं सभी वो उनकी निशानी और होती है, एक ऐसा पॉइंट पकड़ा मैंने तो सबका एक ही पॉइंट था, जो गर्मी में उड़े हैं और शाम बैठी हैं लगातार उड़ रही हैं, और उनमें भी वही पॉइंट था, जो नेक्स्ट ईयर उड़े हैं उनमें भी वही पॉइंट था, जो थर्ड ईयर उड़े आपने हैं अपने एक्सपेरिमेंट उनमें भी किया। मुझे दिखा रहा हूँ, सही वो बात जो है ना हम नेक्स्ट ईयर बताएंगे अगले साल, हाँ इनशाला पोस्टपोन करते चलो रहते हैं ठीक है ठीक तो है। अगले साल जो ये तो है आपने 1 साल का जो है ना उस सस्पेंस डाल डाल दी, दिया पिछली दफा हमने बात की थी साथ में पड़ गई क्लेम भाईजान, ये कबूतर उड़ गया जिसका भी था, अब वो शाहजी से ना क्लेम करे जर शाहजी से क्लेम ना करे बिल्कुल, वो, क्योंकि अब जो है ना हमने ताली मारी है, हाथ पे हाथ मारा है, वो तो उड़ डर गया, गया तो वो डर गया, उड़ अगर गया जी। दोबारा आ गया फिर क्या कर देंगे, क्योंकि अब जो है ना ये सारा जाल खाली है, कहीं पे नहीं है, अब कभी ये लोग ना कहना कि जी वो है और शाहजी ने दिया नहीं। फिर आ रहे हैं अभी, एक काम करते हैं शायद वो थोड़ा डर है छोड़ती है शायद वो, अच्छा ये हम जो है ना अगले साल फिर बताएंगे हाँ अब। जी हम पोस्टपोन कर रहे हैं ये बात के जो प्यासा भी बात नहीं की जाती है यार, नहीं जी करो दसो जी लोग की हमसे गल नाराज है, हमसे नाराज हो जाएंगे जी आप नहीं बताएंगे मैं बता दूंगा फिर। हम एंजॉय कर रहे हैं, सही बात नहीं ये जी है कि मैं बिल्कुल एंजॉय ऐसे कर रहा हूँ बस, बिल्कुल बिल्कुल शाह जी जो हड्डी नहीं है ये हड्डी जो ये हड्डी होती है कबूतर की जी, जहाँ से शुरू होती है, ये आप जरा शौकीन हजरात गौर से सुन लें, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे शाहजी आपको लाइव बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शाह जी ये हड्डी पर जो चलती है ये जो शिप हड्डी कहते हैं हमें जो हड्डी होती है जहाँ से शुरू होती है, जब वो हाथ फेरते हैं हड्डी चुभती ना हो,
यानी कि आपने हाथ फेरा है तो हड्डी की शुरुआत है जो बिगेनिंग है जो फ्रंट है नोक ना बनी हुई हो चुभे ना हो बस वेरी गुड। अब आप शौकीन हजरात जो है ना जी वो जरशाह साहब ने बताया जो चुभती है हड्डी तो वो आपको तंग करेगा वो मतलब ज्यादा थकेगा प्यास महसूस करेगा ठीक है गिर भी जाएगा जिसकी हड्डी स्टार्टिंग में आपको चुभे ना वो जबरदस्त लेकिन ये एक टिप थी जो कबूतर जो गर्मी में मार कम खाते हैं ऐसे कबूतर हैं जिनकी स्मूथनेस हो हाथ पे चुभे बगैर हाथ फट जाए जबरदस्त बहुत अच्छे बड़े बड़ा हाँ हर किसी की अपनी आपने अपना जो है ना जी हमने अपना बता दिया कि ये तजुर्बा मिलने के पॉइंट भी है वो फल के हैं काम हर चीज है लेकिन लेकिन ये एक बड़ा अहम पॉइंट था अहम पॉइंट मेरे तो पास कर रहे हैं ट्राई कीजिएगा देखिएगा और जिनको वो तो उड़ रहे हैं वो भी चेक करें जिनकी ये हड्डियां बिल्कुल मुलायम होंगी फ्लो होगा चुकी नहीं होंगी वो जिम में अच्छा काम करती है बेशक जबरदस्त जी आपके प्यार जो है ना जजाकल्ला और इल्म जो है ना जी वो फैलाने से बढ़ता है। राव आमिर साहब बहुत शुक्रिया जी। राव आमिर साहब कह रहे हैं जरशाह साहब से रिक्वेस्ट है कि अपने व्हाइट डायमंड इधर है तो अमेरिका में होंगे आमिर साहब वो आपसे माजरत कर रहे हैं व्हाइट डायमंड और बाकी जितनी भी जो आप देखते हैं वो मोस्टली 90% अमेरिका में है और उनका आपका बहुत बड़ा सेटअप है माशाल्लाह मतलब लेके आएंगे जी पाकिस्तान कोशिश करेंगे आने की तो जरूर लेके आएंगे इंशाल्लाह एक मैं जाऊं दिखा दूं लाल की बात हुई थी हां लाल वो मेरे शागिर्द कह रहे थे कि दिखाएं यहां भीड़ पड़ी हुई है जी जो वापस काम कर रही है लाखों में आज ये हमारे इन्हें कहते हैं जले हुए लाखे जी देखिए मेरे डैडी है सबको यही बात होती है पहाड़ी इलाके जबरदस्त सर ये काम करती है देखिए जब चेक है कुल्ला सर इनके पर भी लाल है बचपन में ये बिल्कुल लाखे होते हैं साफ होने के बाद जो है ना ये और गालबन जब ये जाएंगे थर्ड धागे में सब पर लाख कर जाएंगे लाख कर जाएंगे अच्छा गुड और शाह साहब ये वो कबूतर हैं जो जिनको अंधेरे पे लगाने की जरूरत नहीं है ये लगा लगाई है माशाल्लाह इसको सियालकोटी कहेंगे मेरा ख्याल है शाह जी आप क्योंकि मोस्टली जो है ना ये लग से आप देखेंगे अभी फैसला आप करेंगे स्ट्रक्चर कबूतर तो बहुत अच्छा है जी और मुझे इसमें जो है ना जी मेरी नाकिस राय सियालकोटी पर लग रहा है लगा हुआ सियालकोटी पर है इसने आपके हाथ पकड़ा दिया और आपने बड़ी उस्तादी से बनाया शाह जी बस एक दो क्रॉस दिए अच्छा निकला फिर क्रॉस दिए और ये मतलब आप देखिए ना ये ब्रीड बन गई है बिल्कुल बिल्कुल ब्रीड असल में वो है जो अपना रंग और अपनी जो है ना खद वाल ना छोड़े वो है ब्रीड बिल्कुल जी बिल्कुल ये मतलब आगे वैसे चला रहे हैं बिल्कुल जी माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए आप दो तीन बनाए जी ऐसे बंदे काफी बन रहे हैं ऐसे बना रहे हैं हम इसको वही काम भी करते हैं जी इनको आप टैडियो में लेके आए लम्बा उड़ते हैं वापसी हम पौधे में जी हाँ जी ये कबूतर माँ बड़ा नायाब है देखने में ये फुलसा कबूतर है एक आम सा कबूतर है हाँ जी ये बच्चे रामपुरी चला के निकालता है और बच्चे बहुत होता है हमारे पास जी जी अब देखिए ये अलग ब्रीड है हमारी कोर मतलब इसके बच्चे शाजी कमाल के उड़ते हैं हमारे पास इसकी बेटियां पड़ी हुई है इसका भाई रह गया पिछले रात तो वापस पकड़ा गया होगा कॉकी ने कॉल भी नहीं किया है हफ्ता हो गया शाजी भाई 3 साल में वो एक फिर भी भाई नहीं रहा था
फर्स्ट टाइम से वाक्य हुआ कि वो रह गया भाई, और इस भाई ने पकड़ा होगा जी, वो एंजॉय कर रहा होगा। आइए भाई, अच्छे नूलने वाले हैं, शायद जो पिट्ठी आपके हाथ में है इसमें हमें दिया बलिया टॉस दिया हुआ है, और ये 2019 में आ जाएगी थी कप में, वो लोग वाके तो फिर एक सवाल ही सही है, वापसी करती है, हाथ निकलती है, आज यही चीज उठती है। अब ये देखें ये जो काले मोल पिट्ठी है, ये पकड़ा ऐसा जी, अभी इस सीजन मोड़े खाई हुई है, दो तीन मोड़े खाई हुई है इसने, इस पर अटैक हुआ था तो ठीक इस अटैक से बाहर आ गई है, फिर भी ये अच्छा उड़ रही है, टाइम कर रही है, शाम कर रही है, बढ़ाती है, बड़ी मजबूत मारती है जी हमारी। ये जी हमारे शाह जी की हमारे मिक्स पट्टी है जी, ये बड़ी इसने मोड़े खाई हुई है, वापसें करती है, कुछ कम गए बड़ी मजबूत। हाजी ये माई देखी, ये माजी नहीं, ये शिकरी जी, ये हर बाजी में पांच छह बैठती है, छह बैठती है, उठती है, प्योर शिकरी जी माँ दी है, प्योर शार्क माँ दी है। ये जी सियाकुटी माती है जी, पैंती बोल अच्छे बच्चे आती है भी शार्क। हाँ जी ये यकीन कर लें, ये प्योर शार्क की माती है शाह साहब, इसमें बहुत प्रवास है, पाँव उठा ले तो शाम है जी, हर हर बाजी में, हर इसके तुम खोले जाते खाए थे तुम, इसने इस चीज़ कितनी मोड़े खाई हुई है, पूरी खोल से तुम खोल क्या करते हैं आज वो याद नहीं है, एक दो ऐसे तीन चार पाँच मोड़े खाई हुई है इस वक्त, और इसके रिकॉर्ड है जी प्यार के बाद पांच के बाद छह के बाद बैठती है आराम से, कौन सी पता चल नहीं है उसकी, इसकी नहीं है, इस पर हमें चार मोड़े लगी होंगी इस बात की। ये जी माई सुनली है, बिजली है, पाँव उठा ले तो शाह जी एक मिनट भी बहुत दूर है, ये ऐसे बंद होती है ऐसे कि हमने हवा में फायर मार दी है, पट्टी घर की है जी हमारे कमगों की है, और पट्टी बहुत बड़ी है, गोली हाँ जी पाँव उठा लिया, पाँव उठा लिया तो आपको ये नजर नहीं आई कहाँ गई है। हाँ जी एक ही है हमारी माजी, इसको लकवा हो गया था, वो ठीक कर रहे हैं, पकड़े मछली मतलब हमारी यही से हमारी माजी बहुत उड़ती है, बहुत लम्बा गिर हुई है, और ये इनको हर शक्ल राम बूढ़ियों की है, आंख सफेद है, और ये उसी फुलसे की बैठी है। अच्छा कह रहे थे आप, ये कितना चेंज निकाला है भाई, यही निकालता है, इसका भाई भी इसी कलर का था, इसी आंख का था, वो पीछे डाल गया वापस नहीं आया, ये खुद भी छह छह बैठती थी, अभी लकवा हो गया तो इसको कोर्स करवा रहे हैं। अब ये देखेंगे ये जी, इसको मैं कहता हूँ काले मुंह वाली, अभी बाल लम्बा उठती है अभी हमारे पास, ये भी जी जाया नहीं होते, कुछ खुटे में ऐसे कबूतर होते जो जाया नहीं होते, इनमें से ये जी है जो जाते नहीं है, जाते नहीं है। हाँ जी जी इसका टाइम फिक्स है जिसका भी प्रवास का जी, इसने तीन में निकलना है, नीचे आना है, और तकरीबन दो ढाई घंटे इसने जी किसने भी काटना है, इसने भी पांच का बार पकड़ा हुआ है,
इसके ये इसके दो थे मैं मैं भाई और वो एक तो मर गया था मेरे पास। अच्छा ये जी एक पीछे पीछे बाजी गई है, एक बाजी में चलिए बंद नहीं हुई, सब चले गए सामान ये इनसे खरीदा गई, तो मुझसे कहा आधे घंटे के बाद ये बैटरी में हुई है, तो मैं गया बैटरी की तो आप एक टाइम लोड कर लीजिए। आज ये तकरीबन 9 बजे तक इसे घिसती रही है कूटे के साथ, 9 बजे के बाद बंद हुई है, तो 6 बजे अच्छा मुझसे परेशान हो गया था और दिन में यहाँ भी नहीं बंद हो गई है, एक बजे निकली आई है अब चली गई है, 2 बजे चली गई है, फिर 3 बजे चली गई है, 6 बजे निकली है। आज ये बर्ड जो आपका स्ट्रॉन्ग है, इसके जो माँ बाप है उन्हें बड़े हुए अच्छा माशाल्लाह राज वाले राज खुले हुए हैं। ये सिंपल सी दिखने मादी है, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई सिंपल सी मादी है बस सी मादी है, लेकिन शादी ये जब पाँव खाती है तो ये टैग लेके बैठती है बहुत अच्छा ब्रीडिंग के बादशाह हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल आप जो है ना शाह जी दोस्तों से इजाजत लें आप। हाँ जी सफर है बहुत हाँ अभी जो है ना जी, और बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों भाइयों का आपने टाइम दिया, और ग्रेट जर शाह साहब शाह जी दी ग्रेट, ये हमारे बड़े भाई हैं जी, और ये आते हैं तो मैं लाइव होता हूँ और शो को आता हूँ, यकीन करें इससे बहुत प्यार है इनकी वजह से मेरा जो है शौक जागता है और जागता है। जजाक अल्लाह बहुत शुक्रिया जी, और अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों को सलामत रखे, जिन दोस्तों ने अभी हमें ज्वाइन किया उनका बहुत शुक्रिया, बस अब बहुत देर हो गई है तो इसलिए हम जो है ना इसको